subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. कलर्स टीवी का रियलिटी शो बिग बॉस 13 जो कि अब आपको टाटा बाय बाय कर चुका है, जी हाँ, ग्रैंड फिनाले हो गया है और ग्रैंड फिनाले के दौरान ही विनर का नाम भी अनाउंस हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला बन चुके हैं शो के विजेता और विजेता बनने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने फैंस को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और बहुत सारा थैंक यू भी कहा है, क्योंकि फैंस की वजह से ही आज सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस 13 की ट्रॉफी मिल पाई है। लेकिन अब ऐसे ही हालातों में आपको एक और नया शो देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है शहनाज की शादी। जी हाँ, शहनाज की शादी आने वाली है और इस शादी को लेकर फैंस कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि शादी के अंदर शायद से सिद्धार्थ शुक्ला की भी झलक देखने को मिलेगी। तो अब आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला इस शो का हिस्सा नहीं होंगे। जी हाँ, पारस और शहनाज की शादी यूं ही होने वाली है, यानी पारस और शहनाज अपने लिए दूल्हा और दुल्हन चुनते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी अपडेट दे दें कि सिद्धार्थ और शहनाज का कनेक्शन बिग बॉस के बाद भी नहीं टूटेगा, दोनों का कनेक्शन यूं ही बना रहने वाला है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को लाइव वीडियो कॉल्स करने वाले हैं, पार्टी के दौरान मिलने वाले हैं। अब ऐसे में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि सिद्धार्थ और शहनाज की इन नजदीकियों का इफेक्ट क्या शहनाज के नए शो पर पड़ेगा, वेल क्या कुछ होगा इस शो के अंदर। इस बात से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर लौटेंगे हम, पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज निज़म की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.